हेलो दोस्तों, अनीता आज रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बहुत ही कम टाइम में मुरमुरे से बनने वाले बहुत ही टेस्टी, सिंपल और हेल्दी नाश्ता की रेसिपी। बनाना बहुत आसान है दोस्तों, ये झटपट बनके तैयार हो जाता है। आप इसे नाश्ते में खा सकते हैं, टिफिन में बच्चों को दे सकते हैं, आप इसे ऑफिस भी लेकर जा सकते हैं। ये इतना टेस्टी है कि आप इसे कभी भी किसी भी समय खा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बनाना शुरू करते हैं। ये है 4 कटोरी मुरमुरा, हमारे यहाँ इसे मुरही बोला जाता है। अब इसमें डाल देंगे पानी, पानी इतना डालना है कि मुरही अच्छे से डूब जाए। इसे इस तरह से दबा दबा कर पानी में डुबा देंगे। मुरही हल्का होता है तो पानी के ऊपर तैरने लगेगा। बहुत देर तक इसे पानी में नहीं रखना है, बस डुबा कर इसे तुरंत ही निकाल लेना है। इस तरह का एक छन्ना ले लेंगे और इस तरह से मुरही का पानी निचोड़ कर निकाल लेंगे। छन्ना में निकालेंगे ताकि थोड़ा बहुत पानी है वो भी निकल जाएगा। सारे मुरमुरे धोकर निकाल लिए हैं। कढ़ाई रखेंगे गैस पे और फ्लेम मीडियम रखेंगे और 1 बड़ा चम्मच सरसों तेल गरम करेंगे। तेल आप अपने पसंद का कोई भी ले सकते हैं। तेल गरम हो गया है, अब इसमें डाल देंगे 1/2 कटोरी मूंगफली। अब इसे रेगुलर चलाते हुए भून लेंगे। 5-6 मिनट मूंगफली भूनते हो गया है। मूंगफली अच्छे से भून गया है और सारा दाना चटक गया है। अब इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। कढ़ाई में तेल बचा हुआ है, इतना ही तेल में ये नाश्ता बनके तैयार हो जाएगा। अब इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून पीला सरसों। पीला सरसों की जगह पे आप काला सरसों भी ले सकते हैं। 1/2 टीस्पून डालेंगे जीरा। जीरा और सरसों हल्का भून लेंगे। अब डाल देंगे बारीक कटा 2 हरी मिर्च। मिर्च हल्का सा भून लेंगे। अब डालेंगे 10-12 कड़ी पत्ता, इसे भी थोड़ा सा चला लेते हैं। तड़का अच्छे से भून गया है, अब डाल देंगे 1 बड़े साइज का बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज इस रेसिपी में थोड़ा सा ज्यादा गलता है। अब प्याज भून लेंगे हल्का ब्राउन होने तक। इसे बहुत ज्यादा ब्राउन नहीं करना है। आप अगर आलू खाना पसंद करते हैं तो यहीं पे छोटा छोटा टुकड़ा में कटा हुआ आलू डाल सकते हैं, या अपने पसंद का कोई भी सब्जी, शिमला मिर्च हो, मटर हो या फूल गोभी, आप डालकर इस रेसिपी को बना सकते हैं। प्याज हल्का सा भून गया है, ट्रांसलूसेंट सा हो गया है। अब यहीं पे डालेंगे 2-3 पिंच हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून चीनी। आप इस नाश्ता को बिना चीनी का भी बना सकते हैं, वैसे चीनी थोड़ा सा डाल दीजिएगा तो ज्यादा चटपटा और खट्टा मीठा टेस्टी बनेगा। 1/2 टेबल स्पून से थोड़ा सा कम नमक, नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार लीजिएगा। अब इसे 2 मिनट भून लेंगे ताकि हल्दी का कच्चापन चला जाए। बहुत टेस्टी और एकदम सिंपल सा रेसिपी है दोस्तों, बहुत चटपटा और टेस्टी लगता है खाने में। आप भी इस तरीके से बनाइएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा दोस्तों, जिससे आपको मेरे नए नए और आसान रेसिपीज का नोटिफिकेशन मिलता रहे। प्याज भूनते 2 मिनट हो गया है, हल्दी भी अच्छे से भून गया है। अब डालेंगे 1 बारीक कटा हुआ टमाटर। टमाटर हल्का सॉफ्ट होने तक भून लेंगे। टमाटर सॉफ्ट हो गया है और प्याज भी अच्छे से भून गया है। अब इसमें डालेंगे ये धुला हुआ मुरही। डालने से पहले इसे एक बार इस तरह से चला लेंगे। अच्छे से प्याज और टमाटर के साथ मिक्स कर देंगे। अच्छे से मिक्स हो गया है। कर्नाटका में इसे सुसला या सुशीला भी बोला जाता है। अब इसमें डाल देंगे ये फ्राई किया हुआ मूंगफली, थोड़ा सा बारीक कटा हरा धनिया और इसे अच्छे से मिला लेंगे। अगर आपके पास टाइम है तो इसे 2 मिनट ढककर छोड़ दीजिए, और अगर टाइम नहीं है तो आप इसे इसी तरीके से सर्व कर सकते हैं। टेस्टी नाश्ता बनके तैयार है। अब गैस ऑफ कर देंगे। सर्व करने से पहले डालेंगे 1/2 नींबू का रस।
ये बहुत खट्टा मीठा चटपटा टेस्ट आ जाएगा इससे। अब इसे एक बार फिर से मिक्स कर देंगे। आप इसे मुरही का पोहा बोलिए, सुसला बोलिए, आपको जो पसंद आए बोलिए, बहुत टेस्टी बनता है। अब इसे सर्व करेंगे। टेस्टी और चटपटा नाश्ता बनके तैयार है दोस्तों। अब आप इसे चाय के साथ एंजॉय कीजिए, बहुत टेस्टी बनता है। अगर आपको मेरा ये रेसिपी पसंद आ रहा है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, अपने फैमिली अपने फ्रेंड के साथ इसे शेयर भी कीजिए, और कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों कि आपको मेरा ये टेस्टी सा नाश्ता का रेसिपी कैसा लगा। आप इसे हरी मिर्च और नींबू के साथ एंजॉय कीजिए।